मेरा नाम राजू सरकार है, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में मास मीडिया का छात्र हूँ। मेरे फैमिली बैकग्राउंड का कुछ ऐसा हमेशा से रहा है कि बांग्लादेश, जब बांग्लादेश बना तो उस टाइम पे हमारे फैमिली बैकग्राउंड की, मैं बंगाली हूँ, वहाँ से माइग्रेट करके इंडिया आए हुए थे। तो उस टाइम पे जो घटनाएं हुई कई सारी देश में, कुछ मारकाट भी मची हिंदू मुस्लिम में, तो उस चीज़ का असर मेरे परिवार पर हमेशा से ही रहा। पर मेरी पैदाइश खुद की क्योंकि दिल्ली की है, सो कभी, और जिस माहौल में मैं पला बड़ा पूरे, तो वो सारा पूरा माहौल जो था वहाँ पे सारे के सारे नॉन हिंदू ही थे। सो कभी पर मुझे वहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी और कौम के लोगों के साथ रह रहा हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसा ही रहता था, हमें उनका त्यौहार या हमारा त्यौहार हो, मुझे हमेशा ऐसा ही लगा, मेरे परिवार को ऐसा लगा कि जो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब एक ही है। कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई दूसरे कौम की हम चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि हमें ये इंतजार रहता था कि कभी कब ईद आएगी, कब बकरीद आएगी, हमें इन सारी चीज़ों का एक दिल में एक उमंग रहती थी कि कब ये आएगा और कब हम सेलिब्रेट करेंगे। उसी तरह से जो हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स थे, पड़ोसी थे, आस पड़ोसी, उनको ये इंतज़ार रहता था कि कब दुर्गा पूजा आएगी, कब वो लोग घूमने जाएंगे। हमें हमेशा यही दिल में रहता था कि एक दूसरे के प्रति, कि कब हम एक दूसरे के साथ क्या सेलिब्रेट करें, और हमें यही चाहिए होता था कि एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय कैसे बिताएं। तो कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि हम किसी दूसरे कौम के लोगों के साथ रह रहे हैं, या कभी कोई ऐसा व्यवहार किया गया हो हमारे साथ या हमने उनके साथ किया गया। सो हमेशा ऐसा ही लगता था कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, हम सब एक ही, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि दूसरे दूसरे कौम के सब एक ही कौम के हैं। हाँ, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड मेरा ऐसा रहा है कि ऐसी चीज़ें वो झेल के आए हैं, सो उसमें कई सारे ऐसे हैं कि मेरे परिवार में भी कई पूर्वाग्रह हैं इन सारी चीज़ों को लेके, कौम को लेके। तो कुछ परिवार में भी कई बार ऐसे चीज़ें हो जाती हैं कि बनती नहीं है आपस में, पर यह है कि जो मेरे खुद के पेरेंट्स हैं और जो मेरे चाचा वगैरह हैं, इनमें ज़्यादा इस चीज़ को लेके तनातनी लगी रहती है, क्योंकि जो मेरे रिश्तेदार हैं वो ऐसी संस्थानों से जुड़े हुए हैं कि जो देश को एक दो हिस्सों में बांटने की कोशिश करती रहती है, जाति धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करती रहती है। तो उस चीज़ को लेके हमारी हमेशा रसाकसी लगी रहती है परिवार में, क्योंकि हमें पता है कि ये सारी चीज़ें एक प्रोपेगेंडा के तहत तैयार की जा रही हैं, कि ये सारी चीज़ें लोगों को बांटने के लिए हैं। लोग ये नहीं समझते कि जो चीज़ें पहले हो गई वो तब भी वो करवाई गई थी, और आज भी जो चीज़ें हो रही हैं वो भी करवाने की कोशिश की जा रही है। तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तब भी घाटा उसमें हम जैसे आम लोगों को ही हुआ था, और अब भी हम जैसे आम लोगों को ही होना है। लोग ये नहीं समझते कि अगर कहीं दंगे हो रहे हैं तो वो अपने आप नहीं हो रहे, वो करवाए जा रहे हैं, उसके पीछे जो राजनीतिक मंशा है उसको कोई समझता नहीं है, कोई कॉमन सेंस नहीं यूज़ कर रहे हैं। बस यही रहता है कि धर्म के नाम पे लोगों को लड़वा दिया जाता है। पर हमारा ये हमेशा से यही रहा है, क्योंकि अभी मैं जामिया में भी पढ़ता हूँ, तो मेरे दिल में तो कभी ये आई नहीं, क्योंकि हमेशा से मेरा यही माहौल रहा है। और आज भी ये है कि स्कूल टाइम तक भी मेरे जितने भी दोस्त हैं काफ़ी मुस्लिम ही ज़्यादा रहे हैं, सो स्कूल टाइम तक भी जो था, आज भी वो मुझे कॉल करके बुलाते हैं कि अगर ईद हो तो ईद पे मुझे बुलाते हैं, और जब हमारे घर में दिवाली या कोई त्यौहार होता है तो हम भी उन्हें कॉल करके बुलाते हैं, और बहुत खुशी खुशी आते हैं। सबके दिल में बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, कभी ऐसी चीज़ को लेके हम झगड़ते नहीं है, भले ही देश में कैसे भी माहौल हो, दिल में यही रहता है कि हमें पता है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़रूरी है कि पढ़े लिखे हो ना, और आपको चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आपको अपनी तार्किक शक्ति डेवलप करनी पड़ेगी, उसी के बाद आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। क्योंकि बात वही है कि अंधी भक्ति का ज़माना है, तो सब उसी में चले जा रहे हैं। तो ज़रूरी यही है कि हम चीज़ों को समझें और इस तरह की बांटने वाली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दें।